नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्य और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। करनाल के नलीपार में एक कलयुगी पिता द्वारा अपने 3 मासूम बच्चों को नहर में गिरा दिया गया है। 3 बच्चों को पिता द्वारा जिंदा नहर में गिराने के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव वाले इस घटना से बेहद गुस्से में हैं। उनका कहना है कि ऐसे बाप को फांसी पर लटका देना चाहिए। आपको बता दें कि यह घटना हरियाणा के जिला करनाल के नलीपार गांव की है। कलयुगी हत्यारे बाप ने अपने 3 मासूम बच्चों को कल वेहड़ी गांव स्थित आवर्धन नहर में गिरा दिया है। अभी बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर नहर में गोताखोर बच्चों को ढूंढने में लगे हुए हैं। घरेलू कलह व नशे की अपनी लत के चलते अपने ही 3 बच्चों को जिंदा नहर में गिर कर मारने का आरोप है। पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि सुशील नामक व्यक्ति अपने 3 बच्चों को ले जा रहा है और बच्चे रो रहे थे, तो अचानक एक ग्रामीण ने देखा कि बड़ी नहर के पास पानी में कुछ डूबने की आवाज आई। उन्होंने बताया कि सुशील ने भी खुद घर आकर कहा कि वह बच्चों को फेंक आया है। ग्रामीणों का कहना है कि घर में कई बार ग्रह कलेश रहता था, जिसके चलते वह इस प्रकार की बातें करता था। वहीं इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल बच्चों की नहर में तलाश की जा रही है एवं आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमें मतलब उसके पीछे चलते रहे, हमें मिला नहीं वो सर। तो थोड़ी सी देर के बाद ये सुबह के लड़के हैं, इन्होंने बताया भाई वो आवाज आई है नहर से, पानी से आवाज आई है और बच्चों की आवाज आई है भाई, मैं बच्चे पूरे हो चुके हैं जी। तो किसी ने देखा भी उसको, बच्चों को बिठा के लाते हुए? हाँ जी देखा, तो हमने भी आजी पीछे दौड़े हैं, बाइक लेके आए हैं उनके पीछे। और वो दोबारा घर पहुंच गए? वो दोबारा घर पहुंच गए और वो बोल रहे हैं जी भाई हमें बच्चे गिर रहे हैं जी नहर के अंदर। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप? पुलिस से कार्रवाई चाहेंगे जी, जो कुछ मदद होती हो, बच्चों की कुछ हेल्प होती हो तो करो साहब। तो कितनी उम्र के बच्चे हैं? बच्चे 8 साल का है, 5 साल का और 3 साल। कितने बेटे बेटियां हैं? 2 लड़के हैं, 1 लड़की। तो क्या झगड़ा हुआ था जी? छोटा मोटी बात पे ही होया सर। क्या नाम है इसका? इसका सुशील कुमार है जी, जाति चुमार। क्या काम करता है जी? बस काम ही नहीं करता जी, बस जूस का काम करता है वैसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर कश्यप नलीपार। उन्होंने एक बैग जाती देखी, उस पर 3 बच्चे थे जो चिल्ला रहे थे, इन्होंने पीछा किया तो उसके बाद जाके बाइक आगे बंद होगी और इन्हें फिर उसमें कुछ गिरने की आवाज़ आई पानी में। तो उसके बाद ये इनके जो नेबर है नलीपार से, सुशील सन ऑफ चरण सिंह है नलीपार का, इन्होंने ये बताया कि वो काफ़ी दिनों से इस तरह से कहता था कि मैं फेंक दूँगा। जब भी लड़ाई वड़ाई होती थी उसके घर में, तो उसके बाद आज भी वो जब पहुँचा तो उसने बात बताई है। बाकी आगे अनुसंधान जारी है, थोड़ा जाँच। उम्र कितनी है सर अंदाजन बच्चों की? बच्चे छोटे हैं, 1 8 साल का है, 5 साल का और दूसरा छोटा बताया जा रहा है। तो पानी के बहाव कम करने के लिए कहा जाएगा और गोताखोर कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे? जी गोताखोरों के लिए इन्फॉर्म कर दिया गया है कंट्रोल को और जल्दी गोताखोर पहुंच के रेस्क्यू। तो पिता घर गए हैं इस समय, उन्होंने खुद कबूली है बात? देखिए जैसा कि उनके पड़ोसी ने बताया अभी तक तो यही सामने आ रहा है, उसके बाद जो है एक बार और जांच गहराई से। तो पुलिस की टीमें वहां भी रवाना होगी घर के लिए? जी हाँ, हम भेज चुके हैं। तो अभी अरेस्ट हुआ है वो अभी कुछ तक? नहीं अभी फिलहाल तक नहीं। तो वजह पता चल पाएगी, घर पे झगड़ा हुआ था या नशा के आदि था या क्या वजह पता चली? अभी चूंकि प्रारंभिक स्टेज है तो अभी ये सब जानकारी नहीं मिल पाई है, इसकी गहराई से छानबीन के बाद ही पता चल पाएगा। आपका नाम सर? इंस्पेक्टर मनीष। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.